हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड गुड मॉर्निंग। सुबह हमारी हो चुकी है। एक्चुअली मेरा बेटा ऑलरेडी स्कूल चला गया है। छोटा उधर गेम खेल रहा है, उसके मोबाइल पर गेम में लगा हुआ है। और अभी हमको जाना है, एक्चुअली मेरे बेटे को मैं लेने भी जाने वाला हूँ जल्दी। उसको थोड़ा लेना पड़ेगा क्योंकि उसकी डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट है। और आप लोगों का एंड थैंक यू सो मच, काफ़ी कमेंट मुझे आए थे मेरी जॉब के लिए कि मुझे मिल गई। और कुछ क्वेश्चंस भी थे, आई थिंक किसी ने मुझे मेरे वो वाले वीडियो जहाँ पे मैंने वो असाइलम आई मीन और असाइलम जो इनलीगल आते हैं, उसमें किसी ने पूछा था कि लेडीज़ के साथ आए तो देखिए, मैं तो रिकमेंड नहीं करता हूँ वो रास्ता कि आप इनलीगली आइए यहाँ पे। लेकिन ख़तरा तो रहता ही है। कई आप लोगों ने उन लोगों की सिर्फ स्टोरी सुनी होगी जो आ चुके हैं, जो सक्सेस हो गए, मतलब सक्सेस नाइसली अंदर एंटर हो चुके हैं। लेकिन आप लोगों ने उनकी स्टोरी भी सुनी होगी शायद, या आप सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे कि कितने लोग की जान भी गई है इनलीगली आने में। तो मैं इसलिए प्रीफर तो नहीं करता हूँ, स्पेशली लेडीज़ और बच्चों के साथ तो मैं प्रीफर बिल्कुल भी नहीं करता हूँ कि आप आओ। बहुत रिस्की होता है, तो कई बार आप वहाँ के गैंगस्टर लोगों के हाथ में भी आ गए वगैरह हो गया। और अब आपका ग्रुप अगर वहाँ पे समझ लो 50 लोगों का होगा, तो 50 लोग को एक ही छोटे के रूम में रहना पड़ेगा, तो आप ही सोच लो कि लेडीज़ को भी कितना एडजस्ट करना पड़ेगा। तो भाई होता है, ख़तरा होता है। और आप वीडियो कई वीडियो देख भी सकते हो आप यूट्यूब के ऊपर, जहाँ पर आपको दिखाया भी है कई लोगों ने कैसे वो लोग आते हैं, पूरा वीडियो दिखाया हुआ, आप सर्च कीजिए देखिए। तो डेंजर तो होता है। तो चलिए, फ़िलहाल तो मैं अभी जा रहा हूँ मेरे बड़े बेटे को लेने के लिए स्कूल, और बाद में उसको डेंटिस्ट के पास लेने जा रहा हूँ। और बाद में देखते हैं हम लोग कहाँ जाने वाले हैं, आज का दिन क्या होने वाला है हमारा। आज वेनसडे हो चुका है, मेरी वाइफ की भी छुट्टी है आज। Yeah, we are going to the dentist. No, we're going to Boa. I want to go to Boa. All right. और तो मेरे बड़े बेटे को लेके हम लोग अभी डेंटिस्ट पे जा रहे हैं, और बाद में देख रहे हैं कहीं पे लंच वंच करने के लिए बाहर जाएंगे हम लोग। और जैसा आप ये देख रहे हो मेरी ये गाड़ी, मेरी मिनी कूपर जो है, उसका मैं आज ही सुबह अलाइनमेंट, मतलब व्हील अलाइनमेंट थोड़ा लग रहा था वाइब्रेट हो जैसा, तो करवा के आया। क्योंकि मेरी जो गाड़ी है ये वाली, ये जो मेरी ट्रक है, उसका ऑलमोस्ट अभी जाने का टाइम आ गया है। क्योंकि आई नो मेरी फेवरेट ट्रक हो गई थी ये, बहुत मस्त है। क्योंकि यहाँ पे क्या, मैंने लीज पे ली हुई थी इसको, क्योंकि लीज पे लेते तो क्या होता है कि कुछ सालों तक, मतलब कुछ 1 साल 2 साल या ऐसा कुछ होता है कॉन्ट्रैक्ट, या तो फिर माइल्स का होता है कि अगर मैं इतने किलोमीटर, मतलब किलोमीटर या माइल्स चला लेता हूँ तो फिर उनको दे देनी होती है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया होता है। तो वो बस मेरा एक्सपायर होने वाला है ऑलमोस्ट, तो देनी पड़ेगी। मतलब रखनी हो तो ऑप्शन होता है, वो लोग मुझे प्राइस देंगे क्या वैल्यू अभी हो गई है, कितना मैंने पे किया अभी तक, वो सब वैल्यू देते हैं वो लोग मुझे। और मुझे बाय करनी होगी वो लोग के प्राइस में, तो मैं कर सकता हूँ, या तो फिर वापस नई कार लीज कर सकता हूँ, या तो फिर दूसरी कार लूँ अगर लेनी हो नई वाली, तो वो मेरे ऊपर रहे बाद में। तो अभी सोचा तो नहीं है कि क्या करूँगा मैं, लेकिन देखते बाद में क्या प्लान निकलता है। क्योंकि मुझे बहुत पसंद आ गई थी ये गाड़ी, मैंने इसके पहले मैंने मतलब सेडान गाड़ी भी चलाई है, शेवरलेट क्रूज, रेंज रोवर ली थी, मर्सिडीज ली थी, जिसमें मेरी सबसे फेवरेट ये वाली गाड़ी है। मतलब बहुत अच्छी लगी मुझे, और मुझे कमेंट भी आया था। आई नो आप मुझसे आर्ग्यू नहीं कर रहे थे, लेकिन मैं भी बस आपको बता रहा था कि किसी ने मुझे कहा था कि आप 10 आवर है वो ज़्यादा हो सकता है, नहीं कर सकते। तो भाई मैं जब से यहाँ पर आया हुआ हूँ यूएस में, मेरे को ऑलमोस्ट 5 साल हो गए, और स्टार्टिंग के 3 साल जो मेरे थे, मैं जैसे काम किया है यहाँ पे 12 घंटे रोज़ बगैर छुट्टी के, मतलब 84 आवर्स एवरी वीक मैंने काम किया यहाँ पे। तो अभी जो अमेजोन में जाऊँगा और सिर्फ 36 घंटे, मेरे लिए कुछ भी नहीं है यार, बल्कि मेरे लिए भी आराम जैसा हो जाएगा। और 5 साल में मैंने अभी ये पहली बार मैंने इतना लंबा ब्रेक लिया, मैंने आराम किया है, वरना एवरी डे 12 घंटे की जॉब मैंने की हुई है। और 2 साल 3 साल करने के बाद, बाद में लास्ट जो 2 साल थे, तो वो मैंने एक छुट्टी लेना स्टार्ट किया था वेनसडे को, अदरवाइज़ एवरी डे मैंने काम किया है। तो आप जो भी स्टार्टिंग में आप यहाँ पे आओगे, तब आपको ही पता चलेगा, आपको भी करना ही पड़ेगा। क्योंकि हाँ, अगर आपके पास पैसे होंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको यहाँ से ही कमा के आपको यहाँ पर सेटल होना है, तो आपको करनी ही पड़ेगी जॉब। क्योंकि यहाँ पर आवरली पे होता है, तो आप जितना आवर काम करोगे उतना ही आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो स्टार्टिंग में हमको लॉयर को फीस देनी थी, घर सेटअप करना था, भाड़े का भी घर होता है तो आपको ऑब्वियसली फर्नीचर वगैरह तो लेना होगा, आप रहोगे कि इसमें।
तो वो सब सेटल करना होता है। तो अगर आपके पास पैसे नहीं हो यहाँ पे आप जॉब करके वो सब करना हो तो आप ऑब्वियसली डेफिनेटली आपको करना ही पड़ेगा अपना काम, तो ऐसे हमने किया था। चलो फिलहाल तो अभी निकलते हैं, हम लोग जा रहे हैं, सब लोग गाड़ी में बैठ के मैं घर को लॉक मारता हूँ, हम निकलते हैं। और गाइस तो बाद में हम लोग बाहर गए थे डेंटिस्ट वगैरह के पास, वो क्या है इंश्योरेंस वगैरह था, उसके बाद भी आई थिंक $130 उनको देने पड़े बच्चे के लिए। बस बाद में तो हम लोग रेस्टोरेंट गए थे, वही पुरानी रेस्टोरेंट जहाँ पे हम लोग हमेशा आते हैं, और बाद में घर पे आके सब लोग सो गए। और एक और अपडेट देनी थी मुझे आपको, जो मेरी अमेजोन जॉब तो लग गई 3 दिन के लिए, और दूसरे जो 4 दिन बचे मेरे पास, मतलब एक दिन तो वो लोग शायद मुझे ओवर टाइम दे सकते हैं, ऐसा मुझे कहा था उन्होंने, लेकिन बाकी के 3 दिन जो है उसमें मैं सोच रहा हूँ 2-1 दिन पार्ट टाइम डोर डैश करूँ, मतलब जो फूड डिलीवरी वगैरह होता है, मतलब उसमें हम ही मालिक होते हैं, हमको करना है तो करो, नहीं करना है मत करो, जो टाइम पे करना है हम कर सकते हैं। तो मैंने कई लोगों से सुना है, मतलब जो मैंने यूट्यूब पे भी देखा है, तो वहाँ पे लोग कहते हैं कि 2-2 घंटे भी आप करो तो आप आराम से $50-60 कमा सकते हो दिन के, 2 घंटे सिर्फ 2-1 घंटे करो तो उसके अंदर। तो सोच रहा हूँ कि अगर 5 घंटे भी करूँ और वीक के अंदर मैं 200-300 अगर ऊपर से बना लेता हूँ 2-1 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर, अपना एक खुद का टाइम है, जब करना हो आप कर सकते हो, तो क्यों ना किया जाए। मतलब हर वीक $200-250 भी अगर मैं कमाता हूँ तो मेरे महीने के $1,000 बढ़ जाएंगे, तो अमेज़ोन से 3,000 और 1,000 या 4,000 में आराम से कमा लूँगा। तो डोर डैश का मैं थोड़ा फाइंड आउट कर रहा हूँ कैसे करना है, मैंने देखे यूट्यूब पे बस, तो उस पर मैं अप्लाई कर रहा हूँ अभी, तो डोर डैश भी मैं आई थिंक स्टार्ट करूँगा, देखते हैं कितना प्रोसेसिंग टाइम वगैरह लेते हैं। और जब डिलीवरी स्टार्ट करूँगा तो ऑब्वियसली आपको बताऊँगा, जो मेरी छोटी वाली गाड़ी है मैं उससे स्टार्ट करूँगा, क्योंकि बड़ी वाली ट्रक यूज़ करूँगा तो बहुत ज़्यादा गैस खाएगी, तो छोटी वाली गाड़ी में इतना गैस नहीं जाता है। तो बस अभी तो सब रात को भी घर पे ही है, बड़े बेटे की पढ़ाई चल रही है, मेरी वाइफ उसको पढ़ा रही है, क्योंकि थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे 4 दिन उसको छुट्टी है स्कूल के अंदर, पता नहीं कुछ सर्विस दे या कुछ होगा ही तो उनका कुछ उधर है। देखो वो सोते सोते पढ़ रहा है और वो सोते सोते पढ़ा रही है। ये मेरा बड़ा बेटा जो है वो बहुत सिर खाता है, बहुत उसके सवाल जवाब बहुत होते हैं उसके। और मम्मी मेरी उधर है और छोटा बेटा मेरा उधर बाजू में बैठ के गेम खेल रहा है। सब अभी सो सो के उठे हैं और रात के वैसे भी 9:30 बज चुके हैं, मैं बस इसके बाद ही मैं ये वीडियो डाल दूंगा, मतलब कुछ खास था नहीं, बस आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देनी थी आज के वीडियो में, तो वैसे थोड़ी बहुत आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी आज के वीडियो में, बस यही रखता हूँ। आज का दिन हमारा बस नॉर्मली गया, और वो जो गाड़ी की बात मैंने की थी सुबह, वो तो भी देखता हूँ क्योंकि ऑप्शन रहता है मुझे अगर खुद खरीद लेनी होती है तो उसमें होता क्या है कि जैसे मिनी कूपर जो आपने देखी थी मेरा वीडियो, अगर किसी ने भी देखा हो पुराना वाला जो मैं बाय करने के लिए गया था, तो वो मैंने बाय की थी, फाइनेंस की थी। तो यहाँ पे फाइनेंस होता है बाय करते हैं या तो फिर आप लीज कर सकते हो, तो बड़ी गाड़ी मैंने लीज की थी तो वो जैसे किराए पे हो गई, बाद में कुछ भी करो आप बाय वापस कर सकते हो। मतलब मैं जाऊँगा उनके पास, अभी तो नहीं, अभी थोड़ा टाइम है, तो जाऊँगा उनके पास, वो लोग कंडीशन देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, कितना मैंने पे किया वगैरह देखेंगे, बाद में वो लोग ऑफर देंगे कि अगर आपको बाय कर लेनी हो तो लोन कर सकता हूँ मैं वापस उसके ऊपर। तो जैसे अभी मैंने सेम मॉडल सेम ईयर सेम माइल जो चली हुई है, तो वो अभी मैंने देखी ऑनलाइन, तो मैक्सिमम मेरे को मिल रही है 45,000 से लेके $48,000 के पास। तो अगर ये गाड़ी अगर मेरे को वो लोग ऑफर करते हैं कि 40,000 में आप ले लो, आपने अभी तक इतना पे किया है, 40-41, तो ऑब्वियसली मैं सोच रहा हूँ कि मैं ले लूँ रखूँगा, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, पता नहीं क्यों, लेकिन ये अब तक की मेरी बेस्ट कार है। मैंने सच कहूँ तो अगर आपने पता नहीं, मैंने वीडियो कोई एक वीडियो मैंने दिखाई है मेरी सारी गाड़ी है, मैंने स्टार्ट किया था जब मैं नया नया आया था, तब मैंने अपना क्या कहते हैं सेवरल क्रूज से स्टार्ट किया था, जो सस्ती मैंने ली थी, बहुत चली हुई, 90,000 माइल्स चली हुई ली थी मैंने 5,000 में, पहली गाड़ी थी मेरी। बाद में मैंने मर्सिडीज चलाई GLE, बाद में
मैंने सियाना चलाई, टोयोटा सियाना, बाद में रेंज रोवर भी मैंने ली थी, उसके बाद में ट्रक ली। लेकिन ट्रक में मुझे पता नहीं, ये ट्रक मुझे सब कुछ मुझे मिल गया है ट्रक के अंदर, इसलिए मुझे ट्रक बहुत ज़्यादा पसंद है। वो साउंड जो हमको पसंद आता है, मतलब जो हेमी इंजन है उसके अंदर 5.7 लीटर का हेमी इंजन है, मतलब जब स्टार्ट करते हो तो वो साउंड आता है कि आप भागती है हाईवे के ऊपर, वो हाइट जब आप बैठते हो तो आपको फील होता है कि आप बहुत ऊपर हो, ऊपर बैठे हो मतलब। प्लस उसका इंटीरियर, वो बड़ी सी स्क्रीन मेरे को बहुत अच्छी लग रही है, तो सोच रहा हूँ कि रखूँगा एक। तो बस आज के वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन दे रही थी। आज का दिन बस हमारा ऐसा ही गया, बोरिंग सा, कुछ था नहीं खास करने के लिए। कल तो मेरी वाइफ की जॉब होगी, मेरे बच्चे लोग छुट्टी पे होंगे, तो हम लोग सब यहाँ पे होंगे। मेरी मम्मी आई थिंक डोसा वगैरह बनाने का प्लान कर रही है, तो मैं आपको सब दिखाऊंगा कल क्या करने वाले, घर पे रहने वाले बेसिकली। तो मिलते हैं आपको कल। और हाँ, वो जो आपने कमेंट किया था भाई आप ख़राब लगाना, मैं भी आपको बस बता रहा हूँ कि आप शायद पता नहीं आपने काम नहीं किया होगा, लेकिन आप अमेरिका में आने का सोच रहे हो, पता नहीं आप यूएसए से हो कहाँ से हो, लेकिन अगर आप यूएसए में ही हो तो आपको पता होगा यार, यहाँ पे 10-12 घंटे नॉर्मल काम है। हाँ, ये गोरे लोग जो है, गोरे काले ये सब जो लोग होते हैं, वो लोग इतना काम नहीं करते, वो लोग 20-30 घंटे। उसकी अलग ही स्टोरी है, मैं कल बताऊंगा आपको क्यों क्या करते वो लोग का पूरा क्या सेटिंग होता है। तो फिलहाल हमारे इंडियन और स्पेशल मैक्सिकन और पाकिस्तानी जो हमारे, मतलब हमारे बंदे होते हैं, वो मैक्सिमम आप देखोगे ना यहाँ पे, आप जब यूएसए में हो तो आपको पता होगा, होना चाहिए। अगर आप यूएसए में नहीं हो, बाहर हो, तो हमारे वाले बंदे जितने भी हैं और मैक्सिकन, ये लोग 50-70 आवर वीकली काम करते हैं भाई साहब। मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं इतना सो क्यों रहा हूँ आज, आप नहीं मानोगे, मैं 5 साल के बाद मुझे ये इतना आराम मिला है। मतलब नॉर्मली मैंने जो छुट्टी ली है मेरी स्टोर से, तो बस मतलब वो 2 दिन की छुट्टी, 3 दिन की छुट्टी गई, घूमने के लिए गए हम लोग, लेकिन वो भी घूमने के लिए गए, मतलब टाइम तो आराम तो मिला ही नहीं, बस बच्चों को लेके घुमा रहा हूँ। तो अभी मेरे को जो ये फ्री टाइम मिल रहा है, मैं बहुत सो रहा हूँ सही में, मुझे बहुत फ्रेश फील हो रहा है। अभी 5 साल के बाद मुझे ये आराम मिला है, इसलिए मैंने जॉब की डेट भी जो थी वो अमेज़ॉन में जब मैंने अप्लाई किया, तो मैंने 15-20 दिन के बाद ही मैंने वो डेट सिलेक्ट की कि मुझे अभी करना ही नहीं है, बाद में करूँगा। तो बहुत अच्छा लग रहा है, 12-12 घंटे मैंने काम किया है रोज़। और अभी ये जो अमेज़ॉन का भी जॉब है मेरा, वो भी मेरा 12 घंटे का ही है, लेकिन वो 3 ही दिन का है, बस 3 दिन की जॉब है। और उसके बाद भी अगर वो लोग मुझे और 12 घंटे के लिए बुलाते हैं, तो जैसे मैंने कहा था, $2 या $3 मुझे ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि वो ओवर टाइम होगा मेरे लिए, तो अच्छा है। तो बस यही इन्फॉर्मेशन थी, और भी कुछ आपका क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। आज का दिन बस हमारा यही था, मिलता हूँ आपको कल अगले वीडियो में। टेक केयर गाइस, बाय बाय।